बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में जैसे ही हमने प्रोटीन का इंटेक किया तो क्या होता है, फूड माउथ के बाद सबसे पहले स्टोमक में जाता है। स्टोमक में क्या होता है, एचसीएल के कारण वहां की पीएच जो है काफी कम होती है। तो हर प्रोटीन का, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है और उसके अगर आप ज्यादा डिफरेंट पीएच पे लेके जाओगे, ज्यादा हाई या ज्यादा लो पे लेके जाओगे, तो वो डीनेचर्ड हो जाता है। तो सबसे पहले एचसीएल के पास जब प्रोटीन आता है तो प्रोटीन जो है इस एचसीएल से इट गेट डीनेचर्ड प्रोटीन। जैसे कि आप समझ सकते हो कि आपने प्रोटीन में अगर खूब सारा नींबू डाल दिया, मिल्क में अगर खूब सारा नींबू डाल दिया, तो वो डीनेचर्ड होके प्रोटीन से क्या बन जाता है, मिल्क वाले प्रोटीन से पनीर बन जाता है। सेम वे में जो दूध पिया आपने या जो भी प्रोटीन खाया वो अंदर जाके डीनेचर्ड हो जाता है। फिर वो डीनेचर्ड प्रोटीन के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करता है पेप्सिन। पेप्सिन से क्या होता है, वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है डीनेचर्ड प्रोटीन। फिर पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करता है और काइमोट्रिप्सिन एक्ट करता है। ये दोनों एंजाइम्स पॉलीपेप्टाइड को अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स में। तो इट मीन्स कि जो हमने प्रोटीन खाया था, चाहे हमने दूध पिया था, चाहे हमने अंडा खाया था, अल्टीमेटली वो किसमें जाके कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा अमीनो एसिड्स में। अब ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ये स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में दे गेट एसिमिलेटेड, यानी कि अब इंटेस्टाइन इन अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और कहां शिफ्ट कर देती है एसिमिलेशन के बाद, ब्लड में। अब वो अमीनो एसिड्स या वो प्रोटीन जो हमने खाया था अमीनो एसिड की फॉर्म में कहां आ चुका है, ब्लड में। ब्लड से वो क्या जाता है, एक बार ब्लड में आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है वो प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड्स। अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अलग अलग नीड होती है, कहीं रिपेयर की जरूरत है, कहीं ग्रोथ की जरूरत है, कहीं कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जरूरत है। तो वहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाला स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है। जैसे अगर यहाँ ग्रोथ की जरूरत है तो ग्रोथ वाला प्रोटीन बनेगा, और कहीं रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयर वाला प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। ये हर पार्ट में जाके अलग अलग तरीके से इनका कंज्यूमशन होता है। जो कंज्यूम नहीं हो पाते अमीनो एसिड, वो बर्न होके क्या दे देते हैं, एज ए फ्यूल, यानी कि वो एज ए फ्यूल एक्ट करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। तो ये था इसका बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। अब ये जो रोल्स हैं, इन रोल्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि जैसे हेयर की ग्रोथ होनी है या नेल्स की ग्रोथ होनी है, स्किन डेली चेंज होती है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनता है। ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह, जैसे कि हमने ऑक्सीजन इनहेल की नोज से और वो पहुंच गई लंग्स में, तो लंग्स से उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको वापस लंग्स तक लेके आना, ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह भी जो हीमोग्लोबिन काम करता है उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन। तो वहां पे अलग टाइप का प्रोटीन बनता है। फिर इसके बाद आता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में क्या होता है कि अलग अलग ग्लैंड्स में अलग अलग एंजाइम्स बनते हैं और उनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे कि एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये क्या करता है, कार्बोनिक एसिड को डिग्रेड कर देता है, किसमें, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन दूसरा एंजाइम है कार्बोनिक हाइड्रेस, ये क्या करता है, कार्बोनिक एसिड और वाटर से मिला के वापिस कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो इन दोनों एंजाइम्स की वजह से ही हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है इट इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और एक बार में जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकता है, 36 मिलियंस ऑफ कार्बोनिक एसिड को डिग्रेड कर सकता है या वो बना सकता है। जबकि अगर यही काम हमें बॉडी से बाहर कराना पड़े, एंजाइम्स की एब्सेंस में कराना पड़े, तो हमें इसके लिए काफी ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस की जरूरत होती है। तो एंजाइम्स इस वे में क्या करते हैं कि सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के टेम्परेचर पे ही, नॉर्मल कंडीशंस में ही उनको फुलफिल कर देते हैं या उनको अकम्पनी कर देते हैं। प्रोटीन, जैसे आपने देखा कि आपने जो प्रोटीन खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी अगेन यू नीड प्रोटीन एंजाइम, तो उसमें पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का डिग्रेडेशन अमीनो एसिड में कर देते हैं। अब जैसे ही हम स्टार्च खाते हैं तो स्टार्च हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा, सलाइवा में होता है टाइलोसिन,
टाइलोसिन क्या होता है कि ये स्टार्च को डिग्रेड करना शुरू कर देता है मुंह के अंदर ही स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में या ग्लूकोज में। इसके अलावा और कई सारे एंजाइम्स हैं जैसे माल्टेज, अमाइलेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उसे अल्टीमेटली क्या बना देते हैं ग्लूकोज बना देते हैं। अगर इनमें से कोई से भी अमीनो एसिड की या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे बॉडी में तो उसके अकॉर्डिंग या तो ग्रोथ चेक हो जाती है या वो रिएक्शन ही क्या होती है खत्म हो जाती है और उससे हमें क्या हो जाती है डिजीज हो जाती है। जैसे कि एक फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज है, ये कंटेजियस डिजीज है और ये फिनाइल एलानिन की क्या होता है अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो ये वाली डिजीज हो जाती है। तो दैट में क्या करते हैं प्रोटीन जो एंजाइम्स की फॉर्म में है दे डू वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन आवर। प्रोटीन के नेक्स्ट रोल में आते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हम देखते हैं कि शुगर जो है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक एंजाइम है जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है और आके सीधा इंटेस्टाइन में मिल जाता है। तो ये इंसुलिन ही है जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को यानी कि ग्लूकोज लेवल को क्या रखता है कंट्रोल रखता है। अगर ज्यादा होने लगती है तो ये उसको कम कर देता है और कम होने लगती है तो ज्यादा। तो इंसुलिन इटसेल्फ इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। सिमिलरली जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है थायरोग्लोबिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करती है जिससे थायरोक्सिन बनता है। तो अगेन थायरोक्सिन जो है हमारी बॉडी में उसका लेवल कंट्रोल रहना चाहिए और वो भी क्या है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और जो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फाइब्रोमिजन फाइब्रोनोजन जो है वो क्या होता है ये ब्लड में होता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे ही ब्लड में कोई कट लगता है स्किन में या ब्लड बाहर निकलने लगता है तो ये तुरंत इनसॉल्युबल पार्ट फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चरल में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। लास्ट आता है इसका एंटीबॉडीज बनाने में। कैसे कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई और फॉरेन एलिमेंट इन्वेड करता है अंदर अटैक करता है तो वो हमारे ब्लड में आने के बाद एंटीजन रिलीज करते हैं। तो उसके अगेंस्ट उससे लड़ने के लिए क्या होता है हमारी ब्लड में एंटीबॉडीज बनती हैं। वो एंटीबॉडीज जाके काउंटर अटैक करती हैं किससे एंटीजन ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड वायरस जो कि इन्फेक्शन से आया है। तो उससे क्या होता है ग्रोथ जो है इसकी बैक्टीरिया और वायरस की अफेक्टेड होती है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। तो हमारी बॉडी जो है उसको हेल्प मिलती है इनसे फाइट करने में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रोटीन है उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं बायोलॉजिकल रोल्स होते हैं। थैंक यू।